गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम पुलिस ने एक होटल में चल रहे कैसीनो की तर्ज पर जुआ खेलने वालों के बड़े खेल का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से जुआ खिला रहे लोगों के साथ 25 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए सभी लोग एक होटल में जुआ खेलने के लिए आए हुए थे। देर रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए मौके से 25 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि 3 लोग मौके से फरार हो गए। सुबह इन सभी को पुलिस बस में बैठाकर जेल भेज दिया गया है। बता दें, पुलिस बस में बैठते हुए इन लोगों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनको थाना इंद्रापुरम पुलिस ने एक होटल से जुआ खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। एक होटल में एक दो नहीं बल्कि चार चार की टेबल पर कई जगह हाईटेक कैसीनो की तर्ज पर टोकन कॉइन के माध्यम से जुआ खेला जा रहा था। दरअसल जुआ खिलाने वाले इनको पैसे के बदले में टोकन उपलब्ध कराते हैं, जिनसे ये जुआ खेला करते थे। बाद में इन टोकन कॉइन को कैश करा लिया जाता था। पकड़े गए लोगों में से कोई कार डीलर, कोई व्यापारी, कोई नौकरी करने वाला, अलग अलग लोग हैं जो इंद्रापुरम के रॉयल होटल में जुआ खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। पर पुलिस ने जब सूचना मिलने पर यहां छापेमारी की तो यहां से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग भागने में कामयाब हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। कल पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक होटल रॉयल पार्क ना इंद्रापुरम में पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जब पुलिस के द्वारा वहाँ पर छापेमारी की गई तो कुछ 25 लोग वहाँ पर गिरफ्तार किए गए इसी प्रक्रिया में, और 3 लोग अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। इनके पास से लगभग 1 लाख रुपये कैश, कुछ ताश की गड्डियाँ और कुछ कॉइन्स जिनसे ये खेलते थे जुआ, वो बरामद हुए। मैम, इतने बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए हैं एक साथ बैठकर जुआ खेलते, तो क्या किसी प्लानिंग के तहत जुआ चल रहा है, किस तरीके से? इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये लोग इस तरीके से कॉइन्स के थ्रू जुआ खेलते हैं, जिसमें डायरेक्ट पैसा नहीं लगाते हैं। ये कॉइन्स होते हैं पर्टिकुलर अमाउंट के, उसको बाय करते हैं, उसके बाद उसी से खेलते हैं। बाद में जितना भी उनका कॉइन्स बचता है उसको वो एनकैश कराते हैं टोकन सिस्टम के जरिए।